आईआईटी पालक्कड़ की 2023 की प्लेसमेंट्स बताऊंगा डिटेल में, ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज, लोवेस्ट पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, मीडियम पैकेज, कितने स्टूडेंट्स हैं ब्रांच वाइज, कितने उनमें से प्लेस्ड हो गए और कितने ऑफर्स आए, प्री प्लेसमेंट कितना था, डिटेल में सब कुछ जानेंगे। हायर स्टडीज़ के लिए कितने स्टूडेंट्स गए, उनमें से कितने कौन कौन से कॉलेजेस में उन्होंने हायर स्टडीज़ चूज़ किया, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। ये 2023 की प्लेसमेंट रिपोर्ट है आईआईटी पालक्कड़ की, और आईआईटी पालक्कड़ एक न्यू आईआईटी है जो कि केरल में है, और यहाँ पर स्टैट्स डिटेल में दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस डिटेल में, तो पहले आप यहाँ पर अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। तो की हाईलाइट्स आपके स्क्रीन पर हैं, इसके बाद मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा डिटेल में ब्रांच वाइज। तो 38 स्टूडेंट्स प्री प्लेसमेंट में प्लेस्ड हो चुके हैं, जो कि हाईएस्ट है अभी तक का ऑन कैंपस। इंटरनेशनल कंपनीज़ भी आई हैं, जैसे आप देख सकते हो एसेंचर जापान और वेब स्टाफ। आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज़्यादा ऑफर किया इस साल, वो भी 20 ऑफर्स। हाईएस्ट पैकेज 46.15 लाख का है, इसको कम मत समझना क्योंकि एवरेज पैकेज बहुत कमाल का है। लास्ट ईयर 1.2 करोड़ का गया था, और उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो ला चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले। अब यहाँ पर ओवरऑल जो कॉलेज का एवरेज पैकेज है वो 13.95 लाख पर एनम का है। और अब चलते हैं कंपैरिजन ओवर, तो पिछले कुछ 4 साल के डेटा हम देख लेते हैं। बैच साइज़ देखो सबसे बड़ा 2022 का था, उसके बाद देखो 251, 220, आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। और उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया देख सकते हो, सबसे ज़्यादा इस साल रजिस्टर किया, उसके बाद मैं आपको ब्रांच वाइज भी बताऊँगा आगे। नंबर ऑफ ऑफर्स देख लो, सबसे ज़्यादा 2022 में आए, फिर 23 में, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस साल प्लेस हुए हैं। नंबर ऑफ कंपनीज़ देखो, लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा थी, और ये 23 के डेटा वैसे मैं आपको दिखाऊंगा ब्रांच वाइज। अब कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, लास्ट ईयर 91.19% सबसे हाई, इस बार भी इतने कम नहीं है, अच्छे हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर इस बार सबसे ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। एवरेज पैकेज कॉलेज का देख सकते हो 13.95, और सैलरी रेंजेस जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम अवेलेबल होता है देख सकते हो। इस साल का 6 लाख का मिनिमम है, 46.15 का मैक्सिमम है, जानेंगे कौन सी ब्रांच का है आगे। लास्ट ईयर 1.2 करोड़ का गया था, और डिटेल में जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख सकते हो। अब जिन्होंने हायर स्टडीज़ चूज़ किया है वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, सारी ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ पर चलते हैं आगे, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। अब प्लेसमेंट एक्रॉस ईयर्स, ये ग्राफिकली है, आप इसको अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। इंडस्ट्री सेक्टर देख सकते हैं, सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में है 52.6%, फिर कोर सेक्टर में, अदर, और फिर एनालिटिक्स सेक्टर में। जिसको यहाँ पर रीड करना है अच्छे से स्टॉप करके रीड कर सकते हैं, मैं आपको सीधा ब्रांच वाइज दिखाता हूँ, यहाँ पर आ चुके हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें, 50 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, जिनमें से सारे ही प्लेस्ड हो गए 100%, और इसी में हाईएस्ट पैकेज लगा है 46, अभी ये और भी ब्रांचेस का है 46 लाख का, जानेंगे। और मिनिमम पैकेज जो है कंप्यूटर साइंस में 8 लाख का गया है, एवरेज 20.74 अप्रोक्स 21 का है, तो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिकल में देखो 33 में 30 प्लेस्ड हुए, 90%, 14 लाख का एवरेज पैकेज है, मिनिमम 6, मैक्सिमम 32। सैलरी रेंजेस में मिनिमम और मैक्सिमम का पता चलता है, मतलब 6 लाख से लेके 32 लाख तक। मैकेनिकल में 30 में 29 प्लेस हो गए, जो कि बहुत सही है, और मैकेनिकल मैं बता भी रहा हूँ हर वीडियो में कि ग्रो कर रहा है अब। एवरेज 11.8, और मिनिमम देख सकते हो इसमें भी हाईएस्ट पैकेज 46.15 का है। सिविल में बात करें 24 में 21, 87%, 87.5 उसमें से एवरेज 10.21। तो देखो यार, इसका अगर मैं एनआईटी से कंपेयर करूँ तो एक टॉप एनआईटी जैसी इसकी प्लेसमेंट्स हैं। एमटेक डेटा साइंस की बात करें यहाँ पर, तो 11 में से 10 प्लेस्ड है, 16.5 का है, और अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। एमटेक कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स का भी मैं और भी चीज़ें बताऊंगा आपको, यहाँ पर आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो जो भी एमटेक का देखना चाहते हो, क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत कमाल के गए हुए हैं। और एमटेक में भी देखो 16 लाख, 17.37 लाख का एवरेज पैकेज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। और यहाँ पर आप जो भी मैंने डेटा दिखाया है अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो, और 2022 की देखना चाहते हो ऐसे ही तो मैंने कर रखा है, लिंक आपको अगेन बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक करो। डिटेल में ब्रांच वाइज ऐसे ही की हुई है। बाकी वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ, चाहे प्लेसमेंट्स, कट ऑफ्स, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी कंपनीज़ हैं आप देख सकते हो अच्छे से स्टॉप करके। तो मैं वीडियोस डेली लेके आता हूँ, चाहे प्लेसमेंट, कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग, या फिर इंपॉर्टेंट कोई एडमिशन नोटिस हो गया, इन सब पे डेली लेके आता हूँ। तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई मिस ना कर सको ऐसी वीडियो। बाकी कुछ भी पूछना या बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, तो मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।